हेलो फ्रेंड्स, बेसब्री से इंतजार त्रिकोणमिति से 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, और दोस्तों के पास जितना शेयर करना चाहते हो जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाला है और ज़्यादा जरूरी है इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि त्रिकोणमिति से ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड में आते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, ठीक है? तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसका पहला वाला वीडियो में आपको क्वेश्चन 54 तक बता चुका हूँ, ठीक है? अब मैं आपको 55 से बताऊँगा, यानी कि 55 से क्वेश्चन आगे बताऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए क्वेश्चन को मतलब कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है कि टेंसर डिग्री का मान है। तो टेंसर डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स? तो टेंसर डिग्री का मान √3 होता है, आप लोग याद रखना, टेंसर डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि टेन 45 का मान क्या होता है। तो टेन 45 का मान क्या होता है? तो टेन 45 का मान सिर्फ 1 होता है। क्या होता है? सिर्फ 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में, यदि 0 < θ < 90 हो तो cos 90 - θ बराबर होगा। तो आप लोग, मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, sin 90 - θ, cos 90 - θ, tan 90 - θ, cot 90 - θ। तो cos 90 - θ क्या हो जाएगा? sin θ हो जाएगा। तो sin θ किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि sin - 30 डिग्री का मान होगा। तो सबसे पहले तो sin - θ क्या होता है? sin - θ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक फार्मूला होता है sin - θ बराबर -sin θ। तो sin - 90 है, तो sin माइनस क्या है? sin - 30 डिग्री है। तो यहाँ पर sin माइनस जब 30 डिग्री होगा तो sin - 30 डिग्री, तो -sin 30 डिग्री हो जाएगा। और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है -1/2। और क्वेश्चन नंबर 59 है कि 2 cos 67 डिग्री / sin 23 डिग्री का मान होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका सलूशन करना बहुत ही आसान है, किसी एक को चेंज करना, ऊपर वाले या नीचे वाले को चेंज करना और एक ही रूप में लाना। जैसे मान लेते हैं कि हम cos 67 को चेंज किए हैं, 2 cos 67 को चेंज किए हैं, तो cos 90 - 23 डिग्री क्या हो जाएगा? तो cos 90 - 23 डिग्री। तो फिर ऊपर cos 90 - θ क्या होता है? sin θ होता है। तो sin θ का जगह 23 है, तो sin 23 हो जाएगा। sin 23 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 आंसर होगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि 2 कहाँ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन 60 नंबर में है कि sin 15 डिग्री / cos 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे में जो भी मान आएगा तो आंसर तो निकाल ही लोगे, बिना देखे आप इसका आंसर ठीक लगा दोगे, 1 मिलेगा, क्योंकि ऊपर को बदलेंगे तो नीचे वाला आएगा, तो कट जाएगा, तो सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है? और जैसे 60 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ऊपर वाले को बदलोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, अगर नीचे वाले को बदलोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और दोनों कट कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है 62 नंबर में, sin²(20° + sin²)70°। अगर किसी एक को बदलते हो तो कॉस में बदल जाएगा, अगर आप sin 20 को बदलते हो तो cos 70 आ जाएगा, अगर sin 70 को बदलते हो तो cos 20 आ जाएगा। तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं sin²(θ + cos²(θ) = 1 होता है, तो आइए फ्रेंड्स इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये sin²(20° + sin²(70°-1 है, तो sin 20 को हम चेंज किए हैं 90 - 70 से, तो cos²(70) आ गया + sin²(70), और जिसका फार्मूला 1 होता है और पहले से -1 है, तो दोनों कटकर 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या मिलेगा? 0। तो 0 ऑप्शन नंबर कितना है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 0 ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 210 का मान क्या होगा। तो 210 का मान कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, 210 को हम 180 + 30 लिख सकते हैं, ठीक है? और हम लोग जानते हैं कि sin 180 + θ = -sin θ होता है। तो यहाँ पर 180 + 30 डिग्री है, तो -sin 30 डिग्री हो जाएगा, और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो -1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो -1/2 ऑप्शन नंबर कितना है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर में आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपके क्वेश्चन कब पूछे गए हैं? 2017 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, ठीक है? इस बार आने की 100% संभावना है, ठीक है?
अब यहाँ पर है कॉस पाई बाई थ्री, यानी कि कॉस पाई बाई थ्री मतलब कि कॉस 60 का मान क्या होगा, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो सेक्स थीटा का मान क्या होगा, तो दोस्तों सेक्स थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा होता है, तो कॉस थीटा का मान एक्स है, तो वहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 1/x। 1/x कैसे होगा, चूंकि सेक्स थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा और 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा, तो सेक थीटा और 1/cos थीटा, कॉस थीटा का मान एक्स है, तो कॉस थीटा का जगह एक्स लिख देंगे, ठीक है, तो 1/x हो जाएगा सेक का मान, सेक का मान क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 66 नंबर में क्वेश्चन है कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है, तो एच बटे पी यानी कि बी का मान आपको निकालना होगा, बी का मान निकालिए जितना मिलेगा वहाँ से आप कॉट का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम कैसे निकाले हैं, ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट में, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर नहीं तो आप फॉर्मूला रखकर आप उसे बनाकर भी निकाल सकते हो, तो निकालोगे तो आपका 4/3 आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा, तो 4/3 आंसर मिलेगा, तो 4/3 ऑप्शन में देखिए कितना नंबर है, 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आपको 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो वहाँ आप कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो √7/4 मिलेगा, क्या मिलेगा, √7/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर में है, 68 नंबर क्वेश्चन है टेन ए का व्युत्क्रम है, मतलब कि टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 3a = 90°, तो सेक ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप कटाइएगा 3 से और 90 कटाइएगा तो 30 बार में कटेगा, तो ए का मान 30 आ जाएगा, तो एक जगह पर 30 रख देंगे, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि टेन 60 का मान है, तो टेन 60 का मान क्या होता है दोस्तों, टेन 60 का मान √3 होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये था सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोस्तों और दो बाकी है सेट 4 सेट 5, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है।